मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के अंतर्गत लापरवाही और आपको बता दें संवेदनहीनता की शिकायतें पाई गई हैं। बताया जा रहा है कि नगर निगम ने सामूहिक विवाह कांक्षी लोगों को 6 मार्च को टाउन हॉल पहुंचने के लिए कहा था, लेकिन जब विवाह कांक्षी लोग टाउन हॉल पहुंचे तो उन्हें विधायक की अनुपस्थिति का हवाला देकर 8 मार्च को आने के लिए बोल दिया गया और विवाह कांक्षी जोड़ को मुख्यमंत्री सहायता राशि देने से भी इनकार कर दिया गया। नगर निगम की संवेदनहीनता से नाराज विवाह कांक्षी जोड़ों ने कलेक्टर ऑफिस के आगे विरोध प्रदर्शन किया। इस तरह से कैंसिल नहीं होती है साहब, बच्ची ये जल्दी चढ़ाए बैठी है जी बच्ची, आप कह रहे बजने घर जाके आप रात मना कर रहे हो कि सर अब तो 8 तारीख हम करेंगे, ये 8 तारीख हम आप क्यों करोगे? तो वे बोले थे कि विधायक जी से मेरी बात हुई है तो वो बता रहे हैं कि हम तो भूमाल में सभी, इसलिए पर हम 8 में करेंगे साहब, नहीं 8 में आते आपका इतना लगे तो हम ज्यादा जानकारी के साथ स्वास्थ्य संवाददाता अमन सक्सेना फोन लाइन पर जुड़ गए। अमन, गंभीर लापरवाही और संवेदनहीनता निगम कर्मियों की, अगर विधायक महोदय नहीं रहेंगे तो क्या जो विवाह कांक्षी योजना के तहत जिन जोड़ों का विवाह होना है उनकी तारीखों को आगे बढ़ा दिया जाएगा? इस पर जिम्मेदार अधिकारी मंत्री और सरकार की तरफ से और निगम आयुक्त की तरफ से क्या तर्क? बिल्कुल जी, अभी यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो मंत्रीगण है और जो विधायकगण और जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं बसता हुआ नजर आ रहा है इस घटना से, जबकि सबको फोन किया जा रहा है। उनको बोला गया था 6 तारीख की नगर निगम टाउन हॉल परिसर में डेट दी गई थी जहाँ विवाह मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत था ये, और जिसमें सारे जोड़े आकर उपस्थित भी हो गए, उनके घर वाले भी उपस्थित हो गए, सारे कार्यक्रम रीति रिवाज स्टार्ट किए गए, परंतु विधायकगण कोई भी उपस्थित ना होकर और वहां से नगर निगम के लोगों ने कह दिया है कि अपडेट 8 तारीख को की जाती है। एक तरह से कहा जाए तो ये शादी का मजाक बना के रख दिया है कि विवाह के जोड़े आके उपस्थित हो गए और कहा जा रहा है कि अब शादी की डेट 8 तारीख को की जाएगी। अमन, कहा गया था चुनाव से पहले वक्त है बदलाव का, क्या यही बदलाव है? बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं वहां लोगों के मुंह पर ये कहता हुआ दिखा था कि कांग्रेस पार्टी इसी तरीके का बदलाव करेगी, क्योंकि अभी तक कई बार सम्मेलन मुरैना में हो चुके हैं जिनमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा हमेशा किए जाते थे और आराम से हुए थे, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती, पर पहली बार ऐसा देखने को मिला है कांग्रेस के कार्यकाल में, ये पहला सम्मेलन है जहां इस तरीके का मामला सामने आया है। बहुत शुक्रिया अमन तमाम जानकारी के लिए, नजर बनाए रखिए, अपडेट्स आपसे आगे भी लेंगे और जिम्मेदारों से भी सवाल करेंगे कि आखिर ये कैसा बदलाव आप लेके आए।